Hello everyone, welcome to Ease Learning. This is Monica and in today's 1 minute concept series I will discuss about assessment for learning, assessment of learning and assessment as learning. इससे पहले समझते हैं assessment क्या है. देखिए assessment basically is a gathering and organization of data. It's a process. असेस कर रहे हैं आपको, जांच रहे हैं. तो टीचर और स्टूडेंट को आपने याद रखना है, क्लासरूम एनवायरनमेंट को याद रखना है. तो आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीचर और स्टूडेंट जो दो चीज़ें हैं आपकी, टीचर हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, कई बार पैसिव लर्नर भी बिहेव करते हैं, तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है लर्निंग इम्पार्ट करना और बिहेवियर में चेंज लाना. तो उसके लिए असेसमेंट की जाएगी आपकी, असेसमेंट फॉर लर्निंग. दैट मीन्स आप ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, असेसमेंट फॉर लर्निंग से आपने याद रखना है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस. ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज कर रहे हैं, मिडल ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आप इंस्ट्रक्शन देते देते आपने असेसमेंट की, ठीक है. इसमें आप देखेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि और क्या सीख सकते हैं, और स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें आप लर्निंग के लिए मतलब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और फिर आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जिससे आपको पता लगा कि आपके लर्नर को कितना समझ आया, क्या समझने की और रिक्वायरमेंट है. व्हाट टू डू नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये आपके तीन की एलिमेंट्स याद रखने हैं. देन वी हैव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये होगी आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. सब कुछ हो गया, इंस्ट्रक्शन दे दी टीचर ने, आपकी रैंकिंग और ग्रेडिंग सिस्टम से ये हेल्प होगी, टीचर असेस करेंगे, फाइनल सबमिशन याद रखना है, समेटिव असेसमेंट इसका पार्ट है, और क्या लर्नर ने सीखा उसकी बात करेंगे, ठीक है. तो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन समेटिव असेसमेंट और व्हाट लर्नर हैज लर्न्ड, ठीक है, क्या उन्होंने सीखा उसकी बात करेंगे. देन वी हैव असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे. स्टूडेंट अपने आप को खुद से असेस करते हैं, सेल्फ असेसर की तरह काम करते हैं. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कूल का एनवायरनमेंट, कि वो एक सेल्फ असेसर की तरह काम कर पाएँ और टीचर भी उन्हें मोटिवेट करते हैं कि अपने आप को जज कीजिए. तो असेसमेंट एज लर्निंग. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया असेसमेंट क्या है. असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें हम आप इंस्ट्रक्शन देंगे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका पार्ट है. देन वी हैव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, समेटिव असेसमेंट इसका पार्ट है. आपकी रैंकिंग, आपका ग्रेड जो भी आपको आया, फाइनली सबमिशन हुआ, तो वो आपका है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. द लास्ट वी हैव असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें सेल्फ असेसमेंट आएगी. सेल्फ असेसर की तरह या पीयर ग्रुप्स जो होते हैं वो असेस करते हैं कि आपकी लर्निंग कैसी जा रही है, ठीक है. आई होप आपको ये लेक्चर, ये शॉर्ट वीडियो समझ आई होगी. डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं, और शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आपकी एक क्विक रिवीजन हो पाएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगी. तो अभी हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, विच इज़ आफ्टर इंस्ट्रक्शन, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, देन योर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड असेसमेंट एज लर्निंग, योर सेल्फ असेसमेंट. अगर वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.